फ्रेंड्स, वी आर लर्निंग क्वेश्चन नंबर टू ऑफ एनसीईआरटी विच इज दिस। राइट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज वन नंबर इज सिक्स। सपोज दी वन नंबर इज सिक्स, तो हम लिखेंगे, मैंने आपको बताया था अपने प्रीवियस वीडियो में, जहाँ पर हमें नंबर्स का पता होना चाहिए, अगर हम बात करते हैं पाइथागोरियन नंबर्स की, तो वो होंगे 2n, n स्क्वायर माइनस वन, n स्क्वायर प्लस वन। आपको ये तीन नंबर याद रखने हैं। अब अगर हम बात करते हैं किसी एक नंबर की, तो वी विल से फर्स्ट ऑप्शन इज सिक्स, सो वी विल से लेट 2n इज इक्वल टू सिक्स, क्योंकि एक नंबर हमें दिया गया है तीन में से, तो 2n इज इक्वल टू सिक्स हो गया, और n की वैल्यू क्या हो गई, सिक्स डिवाइडेड बाय टू, दैट इज टू वन ज़ा टू, टू थ्री ज़ा सिक्स, तो इट इज़ थ्री। सो वॉट वी हैव सीन इज वन नंबर इज, हमें n मिल गया जिसमें से वन नंबर हमें दिया गया था, तो हम इजीली सेकेंड नंबर निकाल सकते हैं, विच इज थ्री स्क्वायर माइनस वन, विच इज नाइन माइनस वन इज इक्वल टू एट, एंड थर्ड नंबर हम निकाल सकते हैं एन स्क्वायर प्लस वन, विच इज थ्री स्क्वायर प्लस वन, दैट मीन्स नाइन प्लस वन, दैट इज टेन। टेकिंग द नेक्स्ट एग्जाम्पल, सेकेंड पार्ट इज इफ वन नंबर इज फोर्टीन, तो हम वही लिखेंगे कि लेट टू एन इज इक्वल टू फोर्टीन। हमने ये वाले नंबर को, फर्स्ट नंबर को फोर्टीन मान लिया है, तो हम n की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 14 बाय 2, दैट मीन्स 7, और सेकेंड नंबर हम इससे निकाल सकते हैं n स्क्वायर माइनस 1, 7 स्क्वायर माइनस 1, विच इज 49 माइनस 1 इक्वल टू 48, और फिर क्या हो जाएगा, n स्क्वायर प्लस 1, विच इज 77 स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 49 प्लस 1, विच इज 50। सो फर्स्ट नंबर इज ऑलरेडी गिवन 14, सेकेंड हमने निकाल दिया 48, एंड थर्ड इज 50। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व द अदर टू ऑप्शंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।